आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे दो बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए, वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर के नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना है जी। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट ने शर्तों को लेकर के जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल, मेरे बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था, इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसी हालत पे आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और लॉ बैड मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूँगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर के आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियाँ हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, करीब करेंगे? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। मैम लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी आप? लोकसभा चुनाव में जयप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी के बैठे हैं और उनको उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन। क्या अगर प्रचार के लिए कहेंगे तो क्या रामपुर में प्रचार के लिए आएगी? मैं तो हरदम आती हूँ, मैं तो हरदम जब जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई के लिए इस मौके पे भाई के लिए? अभी अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद जी। तो मैं केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, जो इतना लंबा केस था और इतना टाइम से उसका एनबीडब्ल्यू जारी हुआ? देखिए ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना, जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गए हो तो मुझे माफ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या, मतलब कहना चाहती हूँ? हो सकता है, क्योंकि देखिए मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आने के बाद महिला शक्ति के बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं को ले किस तरह सम्मान करना है, वो मैं एहसास करती हूँ कि बीजेपी में आने के बाद मोदी जी और योगी जी मेरे साथ इतना जो है मजबूत खड़े हैं कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं, ऐसा कोई हमें जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाए। तो मैं बात नाम आपका इशारा आजम खान की तरफ है। ठीक है, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, उनके अपने व्यस्त समय से अभी हमारे लिए रामपुर आकर हमारे लिए रिप्रेजेंट किया है, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।